नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल पे। फिर से दोस्तों नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। ये एक्चुअली दोस्तों दो रिक्रूटमेंट हैं, लेकिन थंबनेल में आपको जो है वो सिर्फ एक रिक्रूटमेंट दिख रही है। पहली रिक्रूटमेंट भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL की तरफ से है, और जो दूसरी रिक्रूटमेंट है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। दोनों ही अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है, दोनों में किसी तरह की फीस नहीं देनी है, दोनों ही जॉब्स में किसी तरह का एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं होने वाली हैं, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और एक रिक्रूटमेंट में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। बाकी जो है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो जॉब अपडेट है उनकी जानकारी आपको टाइम पर मिल जाए। उससे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन जिन्होंने आर्ट्स में करी हुई है, BBA BCA वालों के लिए रिक्रूटमेंट नहीं है, ना यहाँ पे 10th और 12th वालों के लिए है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है वो BE BTech वालों के लिए है और डिप्लोमा वालों के लिए। अगर आप जो है और वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगी जिनमें आपके मतलब की रिक्रूटमेंट मिल जाएगी, आप वीडियो छोड़ के जो है वो जा सकते हैं। फिलहाल हम इन जॉब्स के बारे में बात करेंगे। भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से पहली रिक्रूटमेंट है तेलंगाना सर्कल के लिए। 2018 19 20 बैच जो है वो अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले आवेदन कर सकते हैं, चाहे डिप्लोमा है चाहे आपने जो है वो BE BTech करी हुई है। स्टाइपेंड रेट यहाँ पे लिखा गया 5000 और 4000 के आसपास आपको स्टाइपेंड जो है वो मिल जाएगा। दोनों के लिए अलग अलग है, एक साल की ये ट्रेनिंग रहती है, इसके दौरान आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। और बाकी दोस्तों जो है अगर आपको लगे ज़्यादा जानकारी चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे जाके नोटिफिकेशन रीड करके फिर अप्लाई करिएगा। एज क्राइटेरिया दोस्तों एज पर अप्रेंटिसशिप रूल रहेगा। बाकी अगर आपने डिग्री करी हुई है, डिप्लोमा करा हुआ है, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, आपको गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो है वो रिजर्वेशन यहाँ पे जो है वो मिलने वाली है, एक साल का ये रहने वाला है। अगर बात करें दोस्तों कि अगर जिन लोगों ने पहले से एक्सपीरियंस ले रखा है या जो है वो अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो वो एलिजिबल नहीं है, और वो किसी भी अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की तो यहाँ पे दोस्तों जो है वो इंटरव्यू के माध्यम से आपकी सिलेक्शन जो है वो होने वाली है। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की तो 4/3 से आवेदन शुरू है, 12/3/2020 तक चलेंगे। आप जितनी जल्दी हो सके आवेदन कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर आपके कुछ जो है वो क्वेरीज हैं, आपको कुछ पूछना है तो इन ईमेल्स पे आप उनसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हैदराबाद में ये जॉब लोकेशन रहेगी यानी कि आपके अप्रेंटिसशिप की लोकेशन रहेगी। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन रीड करिएगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, और अगर अप्लाई करने की बात करें वो पिछली रिक्रूटमेंट के लिए, तो वो आपको जो है वो अपने आप को इनरोल करना पड़ेगा। वहाँ पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे क्लिक करके आप उसके लिए इनरोल करके आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस रिक्रूटमेंट की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो यहाँ पे दोस्तों टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए जो है वो रिक्रूटमेंट है, एक साल का ये रहने वाला है। ऑल इंडिया कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, 100 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यानी कि 100 है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल सिविल इंस्ट्रूमेंटेशन मेट्रोलॉजी, और अगर आप बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो 100 है। कैटेगरी वाइज बटी हुई है, अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, सिर्फ डिप्लोमा वाले आवेदन जो है वो कर सकते हैं। अगर आपने BE BTech करी हुई है तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आपको ज़्यादा जो है वो प्रेफर नहीं करा जाएगा, यहाँ पे उसकी जानकारी दी गई है, किसी भी तरह से कंसिडर नहीं करा जाएगा, और एडिशनल जो है वो आपको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अगर दोस्तों आपने 10th 12th जो है वो 10+2 वाले मेथड से करी हुई है और उसके बाद आपने डिप्लोमा करा हुआ है इंजीनियरिंग का, उससे संबंधित किसी स्ट्रीम में आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 28 साल तक अगर आपकी एज है एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 2017 2018 2019 और 2020 बैच वाले ही जो है आवेदन कर सकते हैं, बाकी कोई आवेदन नहीं कर सकता। 2016 और उससे पहले वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। बात करें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की तो किसी भी तरह का यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपका जो है वो मेरिट निकाला जाएगा, जिनके नंबर ज़्यादा होंगे उनको ज़्यादा प्रेफर करा जाएगा, जिनके नंबर कम होंगे उनको नीचे रखा जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो है वो लोग मेरिट लिस्ट निकाल लेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है, इनरोल करना है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद जो है आपको इस्टैब्लिशमेंट पे जाना है, और वहाँ पे जाके आपको ये जो है वो फिल करके सेल IASCO स्टील प्लांट फिल करके आपको इसके लिए आवेदन जो है वो कर देना है। बाकी दोस्तों 3/3 से आवेदन शुरू है, 17/3 तक चलेंगे, क्लोजिंग डेट है, इसके बीच में आपको आवेदन करना है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आवेदन कर लीजिएगा क्योंकि कई बार जो है वो साइट बिजी आ जाती है। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में, और स्टाइपेंड आपको रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो मिलने वाला है। और अगर आप दोस्तों फ्रेशर्स हैं, आपके पास जो है अभी फिलहाल जॉब नहीं है, आप जॉब की जो है वो तलाश कर रहे हैं, तो ऐसी अप्रेंटिसशिप के लिए ज़रूर फिल कीजिए। यहाँ पे खास बात ये होती है कि यहाँ पे फीस नहीं होती है, और अगर आप सेलेक्ट होते हैं
तो एक साल कई बार जो है वो जॉब ढूंढने में भी लग जाता है। तो आप जरूर कोशिश कीजिए, अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कीजिए। यहाँ पे सीखने को तो आपको मिलेगा, लेकिन नए नए कॉन्टैक्ट्स बनते हैं जिनसे आपको जो है वो कल को फायदा हो सकता है। हो सकता है जिस संस्थान में जो है आप अप्रेंटिसशिप करें उसी संस्थान में आपके अच्छे ऐसे जो है वो अच्छे लिंक बन जाए कि आपको आने वाले दिनों में जो है वो फायदा मिल जाए और वहीं पर आपको जो है वो किसी तरह की जॉब भी मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। करना चाहते कर सकते हैं, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ।